हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। शाम के बज चुके हैं 4 o'clock और अब हम चल रहे हैं खाना वगैरह की तैयारी करने, क्योंकि खाना भी बहुत सारा बनता है। और आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं पूजा कर पाऊँगी। मैं उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। आपसे बताऊँ, मैं 3 बजे दोपहर में नहाई, मुझे इतनी तेज फीवर था और मतलब मेरी सांस फूलने लगी थी, मुझे अजीब टाइप की परेशानी हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी यार मुझे हुआ क्या है। फिलहाल भगवान करवा चौथ माता का है आशीर्वाद कि मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ फील कर रही हूँ कि फ़ीवर बहुत तेज़ है। मम्मी मेरा सपोर्ट कर रही हैं, आज मम्मी ना होती तो मैं पूजा नहीं कर पाती। मम्मी मेरी बेचारी सब कुछ करके रेडी रखी हैं, बोली हैं आओ तुम थोड़ा सा सूप कर दो खाने का, फिर हम बना देंगे। तो चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सुप करते हैं। आप लोग को देखने से ही पता चल रहा होगा मेरी आँखों में देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम है। ब्रश करने भी नहीं जा पा रही थी, मैं खड़ी हो रही थी, लग रहा था गिर जाऊँगी। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि इतना लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम करवा चौथ और तीज व्रत ही तो नहीं हुआ था। फिलहाल भगवान ने कुछ ताकत दिया है, शायद पूजा कर लेंगे हम। तो चलते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं, खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, क्या क्या है, सब कुछ इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अभी पति देव हैं नहीं, गए हैं कुछ पूजा का ही सामान, मिठाई फल वगैरह फूल लाना था वही लेने गए हैं। तब तक चलते थोड़ा बहुत, मम्मी कह रही आओ तुम छू दो फिर हम बनाओ ना दें। फिलहाल चलते हैं, मम्मी परेशान हो गई आज मेरी। और मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आज मेरी सासू माँ ना होती तो मेरा करवा चौथ का व्रत, बस मैं व्रत ही रह पाती, कुछ नहीं कर पाती। आज पतिदेव तो गुस्सा कर रहे थे कि व्रत छोड़ दो व्रत छोड़ दो, बट उनके लिए मैं मर जाऊँ वो ठीक है कि व्रत तो नहीं छोड़ सकती, बहुत गुस्सा किए, फिर भी मैंने व्रत नहीं छोड़ा। तो चलिए चलते हैं, फटाफट अपना काम निपटाते हैं, फिर आपको करवा चौथ का लुक दिखाएंगे इस ब्लॉग में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मम्मी बना रही हैं फरा, क्योंकि हमारे यहाँ कंपलसरी होता है फरा बनना। फिर इधर मैं खीर बना रही थी, खीर बनाई, फिर उसके बाद आपको बता दें चावल का लड्डू हमारे यहाँ बन गया जो सबसे कंपलसरी है। फिर उसके बाद पनीर की सब्ज़ी मैं बनाई, मसाला मेथी अच्छी मैं कह रही थी क्या ही बताऊँ। फिर शाम की चाय वगैरह मैंने सबको बना के दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई ऊपर, थोड़ा बहुत मंदिर वगैरह डेकोरेट किया कि कर लूँ, फिर आऊँगी जब पूजा करने तो फिर लास्ट में अच्छे से करूँगी। तो थोड़ा बहुत सामान मैं नीचे से ला के ऊपर रख ली थी। फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि मेरी है ये करवा चौथ का मेकअप लुक होने वाला है। और ये मैंने शर्ट अपने पति देव को गिफ्ट दिया है, मैचिंग मैचिंग, इस बार हम लोग कुछ मैचिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सब आप लोग के सामने शेयर कर दिया है, साड़ी का पूरा लुक आप लोग पहनूंगी तो फिर देखिएगा। ये देखिए मेरा है ये पूरा लुक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने मम्मी के पैर में लगा दिया कलर, क्योंकि मैं मम्मी को लगाने के बाद ही अपने पैर में कलर लगाती हूँ, इतना अच्छा लगता है यार, रेड रेड जब पैर हो जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैंने पहना न्यू बिछिया और पायल, बड़ा अच्छा लग रहा था। आपको बता दें मम्मी मेरी फास्ट नहीं रहती, सिर्फ मैं ही रहती हूँ। हम हो चुके तैयार, आप लोग देख लीजिए ये है मेरे करवा चौथ का लुक। ये देखिए है साड़ी, अभी आपको फुल ब्लॉग देखने को मिलेगा साड़ी का। और कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए मैं तैयार हुई, अभी बिंदी रह गया है, बिंदी मम्मी बोली नीचे स्नाने के लिए, तब तक लेट हो रहा है, चलो पूजा की तैयारी करूँ। चले फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। एंड आपको पता है पूजा के लिए इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार क्या होगा, सूरज भगवान कहीं डूब न जाए, फिर हम जल कैसे देंगे। तैयार होते होते काफ़ी टाइम लग गया था, मम्मी काफ़ी देर से वेट कर रही थी और गुस्सा भी हो रही थी, बोली थोड़ा जल्दी करो नहीं तो पूजा का टाइम चला जाएगा। कोई नहीं, आपको बता दूँ कि मेरी सासू माँ ये व्रत नहीं करती हैं, क्योंकि पहले इतना क्रेज़ नहीं था करवा चौथ का, अब तो वो जितना व्रत कर रही हैं वही उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई नहीं, देवरानी आएगी तो साथ में हम लोग करेंगे। मायके में मेरी भाभी करती हैं, लेकिन मेरा मायका बहुत दूर है इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाती हूँ। अगर पास होता मायका तो मैं वहाँ जाके मैं और नंद भाभी साथ में पूजा करते, बट कोई नहीं, अपने घर पूजा करना चाहिए, मायका भी मेरा अपना घर है। बट होता है, सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद ससुराल में सारी चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं रीति रिवाज से अपने ससुराल में ही, हमेशा से मेरी आदत रही है, मैं कोई भी पूजा अपने ससुराल में ही करती हूँ। मायके जा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है हमारे मायके से और ससुराल में, तो इसलिए नहीं जा पाती हूँ। फाइनली आप लोग देख रहे हैं मैं करवा माँ को खूब अच्छे से, माता जी को सजा रही हूँ बजा रही हूँ, अपना करवा खूब अच्छे से मैंने तैयार किया। ये करवा मेरे मायके से मिला था, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। एक्चुअली जिस टाइम मुझे ये करवा मिला था, आपको बता दूँ मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, नहीं तो मम्मी मेरी चांदी का करवा मुझे देती, बट किसी परेशानी की वजह से हम फंस गए, बीच में बच्चा आ गया था, मुझे डिस्टर्ब करनी है क्या ही बताएं। जब कोई पूजा वगैरह स्टार्ट करो ना कुछ उसका प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ये है मम्मा ये ऐसे कैसे करूँ वैसे कैसे करूँ,
मैंने वही बोला कि बेटा अब पूजा करने, अब तो मुझे छोड़ दो, थोड़ी देर पूजा करने दो शांति से। फिर वो चला गया और जब उसके डैडी आ जाते हैं, वैसे भी आपको बता दें उसकी बोली बंद हो जाती है कि कहीं वो कर क्या रहे थे, आपको ये भी बता दूँ, छत पे पटाखे जला के नीचे फेंक दे रहे थे। तो नीचे से हमारे भैया ने बोला मम्मी से कि देखो ऊपर वो पटाखे जला के नीचे फेंक दे रहा है, मतलब थर्ड फ्लोर पर खड़ा था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पटाखे फेंक रहा था। तो इसीलिए फिर वो आया, कंप्लेन सुन लिया था कि डैडी ऊपर जाने वाले, तो फटाक से यहाँ आ गया था मक्खन पालिस लगाने कि उनकी दादी बैठी हुई थी वो बचा लेंगी। फिर भी कोई नहीं, फिर हम यहाँ पूजा की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। आप लोग कैसे करवा चौथ करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे यहाँ इसी तरीके से पूजा होती है, मैं आज से नहीं 5-6 साल से कर रही हूँ पूजा। तो हमारे यहाँ जैसे मम्मी ने मुझे फर्स्ट टाइम में बताया, मैं वैसे ही सारी पूजा करती रहती हूँ। और आपको बताऊँ कि ये साड़ी मेरे पति देव ने मुझे दिलाया था और ये मतलब इतना सस्पेंसिव था ये साड़ी कि मैं क्या ही बताऊं, इन्होंने मुझे बताया नहीं था, खुद की चॉइस से ये मेरे लिए ले आए थे, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगा, इतना खूबसूरत लगा इनका गिफ्ट कि क्या ही बताऊं। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे दिया है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा करवा चौथ गिफ्ट क्या मिला है मुझे। और मिलना है क्या आपको बताऊँ, मिला तो मुझे अभी तक नहीं पता चला है, बट कुछ चीज़ें मुझे डाउट में है, वो क्लियर मैं आपको तभी करूँगी जब मेरा पूजा हो जाएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी पतिदेव मुझे क्या देने वाले हैं गिफ्ट, पता नहीं देंगे भी कि नहीं देंगे ये नहीं पता, तो हो सकता है मुझे मिल जाए, क्योंकि हर साल मुझे गिफ्ट वो देते हैं, कुछ भी देते हैं। कभी कभी 2 साल तो मुझे रिंग दिया था उन्होंने, फिर उसके एक नेक्स्ट ईयर में मेरे लिए साड़ी लाए थे और पायल और बिछिया लाए थे, बहुत सारी चीज़ें हैं क्या ही बताऊँ। पतिदेव तो कुछ भी ना दें तो भी मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे उनके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, जो मुझे भरपूर उनसे मिलता है। और क्या ही बोले आप लोग से, आप लोग मेरी पूजा को एंजॉय करिए, देखिए कैसे मेरी पूजा लगी आप लोग को। मैं बहुत अच्छे से तैयार होने के लिए सोची थी यार, पार्लर वगैरह बुक किया था मैंने, बट मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं सोच नहीं पाई कि मैं वहाँ तक जा पाऊँगी। मैं तब मेरे सर में बॉडी में हर जगह पेन था और प्लस मुझे फ़ीवर बहुत हाई हो गया था, तो मैं इसलिए नहीं जा पाई। मैं खुद से रेडी हुई हूँ, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं कैसे रेडी हुई है। मैं फ़र्स्ट टाइम है कि मैं फेस्टिवल में खुद से रेडी हुई हूँ, नहीं तो मैं हमेशा हर बार पार्लर जाती हूँ। और मम्मी का सपोर्ट था कि आज मैं इतना भी तैयार हो गई, नहीं तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना भी तैयार हो पाऊँगी आज, कि फिर भी नहीं, लव यू मम्मी, आप हमेशा ऐसे मेरा सपोर्ट करती रहना। मम्मी को ये ब्लॉग देखेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मतलब मेरी बहू मुझसे बहुत खुश रहती है, वाकई मैं बहुत खुश रहती हूँ। मम्मी बार बार यही बोल रही थी, साड़ी बचाओ, साड़ी बचा के अगरबत्ती लगा के रखियो, साड़ी बचा के रखो। मम्मी मेरी साड़ी वगैरह जलने से बहुत डरती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अगर मेरा कपड़ा वगैरह जल जाता है तो मैं आपको बताऊँ मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मुझे फिर रोना सा आने लगता है। एक दिन ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, 1 हफ्ता पहले मेरी साड़ी, मैंने न्यू येलो कलर की साड़ी पहनी थर्सडे को, मेरी साड़ी जल गई। मम्मी बार बार सिखा रही थी साड़ी सही कर लो, साड़ी सही कर दो, मम्मी डरती रहती है कहीं मेरी बहू का मुंह उदास ना हो जाए। फिर मैं यहाँ पे खाना वगैरह भोग लगा दी, क्योंकि जगह नहीं था तो मैं साइड में रख दी थी। मेरे यहाँ आपको बता दें खाने में बनता है पूड़ी, पनीर, खीर एंड चावल बनता है, बट मैंने चावल नहीं बनाया था क्योंकि खाने के लिए कोई रेडी नहीं था। और फरा हमारे यहाँ सबसे मुख्य होता है, फरा और चावल के लड्डू, और मैं चढ़ाती हूँ 4 तरह की मिठाई, 4 तरीके के फल, क्योंकि लोग कहते हैं ना करवा चौथ है तो 4 तरीके का हर चीज़ होना चाहिए। और उसके बाद मैं सासू माँ को सारा सुहाग का सामान देती हूँ और उनको साड़ी देती हूँ, और मैंने उनको दिया नाक का किल एंड बिछिया, सेम बिछिया मैं लाई थी, जैसा मैं अपने लिए लाई वैसे मैंने मम्मी के लिए भी लाया था, सेम सेम हम दोनों लोग थे सास बहू। न्यू साड़ी मम्मी के पास थी, बट मम्मी बोली कि पूजा नहीं करते, ले आओ हम ये पहले, हम कि मम्मी चलिए हम लोग कलर मैचिंग करते हैं। मम्मी बोली कोई नहीं, तुम पूजा करो, अच्छे से तैयार हो तो पूजा करो, हम जैसे हैं ठीक है, तुम लोग का सजना संवरना अच्छा लगता है। कि मैंने बोला मम्मी सजने संवरने के लिए कोई एज नहीं होती है, सब अपनी लाइफ में सबको इन्जॉय करना चाहिए। अरे आपकी भी एज है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप तैयार नहीं होगे सजोगे नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। मम्मी की भाई पुराने लोग पुरानी सोच रहती ही है, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, फिर भी मम्मी मेरे आने से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, जो मैं कहती हूँ चीज़ को करने के लिए वो तैयार होती हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा करवा जी की किताब, और आपको बताया पतिदेव बहुत देर पहले ही आ चुके थे, पर पापा से कुछ पर्सनली घर की हम लोग की बात हो रही थी, तो पापा के पास वो बैठ के बातचीत कर रहे थे तो वो ऊपर नहीं आए। फिर हम मम्मी कथा पढ़े, कथा वगैरह मैं और मम्मी सुनी, फिर क्या ही बोले आप लोग के साथ। चलिए मेरे पूजा को एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं आप लोग को कैसी लगी और मेरी जोड़ी आप लोग को कैसी लगी। क्या ही बोले, मतलब आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या हम बोले। और हम आप लोग से ये कहना चाहिए, मेरे सासू माँ की स्पेशली कमेंट करिएगा आप लोग कि आप लोग को कैसी लगी वो। मुझे तो
दुनिया जहाँ की सबसे बेस्ट सासू माँ है, और आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। पहले मैं यहाँ कथा वगैरह पढ़ रही थी, मम्मी कथा वगैरह सुनेंगी, फिर ये पूजा होने के बाद ही मैं छत पे जा पाऊँगी, क्योंकि पहले घर में पूजा, एक्चुअली आपको बताऊँ मैं ये पूजा छत पे करती थी, बट इस बार बहुत सारे लोग ने बोला कि करवा की पूजा नीचे की जाती, उसके बाद छत पे जाके जो पूजा थोड़ी बहुत रहती उसको की जाती, तो इसलिए मैंने इस बार घर पे किया। मेरी भाभी भी बोली कि पूजा को घर पे किया करिए, बाकी छत पे जाके सिर्फ चाँद देखिए और आप कह सकते हो कि पति की पूजा करिए। तो इस वजह से मैंने इस बार घर में किया, नहीं तो मैं छत पे हमेशा करती थी, घर में कभी नहीं करती थी। मम्मी मुझे बता रही थी उसमें दो कहानी लिखी थी, तो मैं बड़ा कन्फ्यूजन हुई थी कि एक उसमें, आप लोग भी मुझे कमेंट बताइए कि अहरोई करके कुछ शायद ऐसे ही कुछ लिखा था, याद नहीं आ रहा है मुझे वो कथा कौन सी होती। मैं बड़ा कन्फ्यूजन में इस बार हो गई थी, हर बार करती हूँ, पर इस बार तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मुझे कुछ कम समझ में आ रहा था। वही मम्मी बार बार देख रही थी, बोली नहीं ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, वही मैं पढ़ रही थी, क्योंकि मम्मी जो जो बताते जा रही थी मैं वैसे ही वैसे करते जा रही थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कथा हो गई थी समाप्त, फिर उसके बाद मैंने आरती की, और सबसे पहले मैंने गणेश जी की आरती की। मम्मी बोली कि पहले गणेश जी की आरती करो फिर लक्ष्मी जी की आरती करना, फिर मैं गणेश जी की आरती की, पतिदेव का वेट कर रही थी, फिर उनका फ़ोन भी आ गया था पापा से बात करने, बट कुछ इमरजेंसी ऑफिस का फ़ोन आ गया था, वो बात करने लगे थे तो काफ़ी लेट हुआ वेट करते करते। फिर मम्मी बोली कि आरती चलो कर लो, लास्ट में आएंगे तो साथ में दोनों लोग कर लेना। मैं बोली ठीक है मम्मी, तो मैं आरती, मैं और मम्मी सास बहू आरती किए, और आरती करते समय आपको क्या बताएं, कुछ चीज़ें हैं जो याद आ जाती हैं, क्या ये शेयर करूँ, कभी स्पेशल ब्लॉग उसके लिए बनाऊँगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी। कुछ चीज़ें हैं जो यार एक मोमेंट होता है ना, उस मोमेंट में याद आ जाता है, मुझे तो याद ही आ गया था, बट वो बताना नहीं चाहती हूँ। कोई बात नहीं, चलिए आप लोग मेरी पूजा को एंजॉय करिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्या अच्छा लगा मेरी पूजा में, और मैं और मेरे पतिदेव कैसे लगे, और मेरी साड़ी कैसी लगी। नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, कितने अच्छे से मैंने करवा की पूजा की, क्या ही बताएं, बहुत अच्छे से मैं तैयारी की। अगर मैं थोड़ी तबीयत मेरी ना ख़राब होती तो मैं शायद और ही अच्छे से करती, यहाँ मम्मी का मैंने सब कुछ सुहाग कर रखा है देने के लिए। लास्ट में मैं आरती अभी वेट कर रही थी कि पति देव आ जाए, साथ में थोड़ी सी आरती हम लोग भगवान को दिखा लें, क्योंकि पापा ने बुला लिया था उनको नीचे, इसलिए वो चले गए थे। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं पति पत्नी आरती, इतना अच्छा लगता है यार पति के साथ पूजा करने। आप ये ना सोचिएगा कि इतनी तेज़ आरती हो रही, मैंने स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए फाइनली हम लोग की पूजा पाठ हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे ऊपर। नहीं, मम्मी ने फिर बाद में बोला कि नहीं पहले करवा को, मतलब होता है ना कि चेंज किया जाता है, तो मम्मी ने बोला नहीं पहले करवा हिला लो उसके बाद तब ऊपर जाना पूजा करने। तो मैं फिर उसके बाद करवा को इधर से उधर की, चार बार किया जाता है ना क्योंकि करवा चौथ है, तो हमने चार बार किया, बहुत डर लगता है यार इधर उधर हिल ना जाए, दिया वगैरह बुझ ना जाए, तो मैंने बहुत बचा बचा के चार बार करवा इधर उधर किया। और आपको बता दें कि मैं बार बार ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आज मेरी मम्मी ना होती तो मैं पूजा ना कर पाती, मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मेरे पास लाइफ में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद हम लोग गए ऊपर पूजा करने, फाइनली ऊपर हमारे थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम थी, एक लाइट जल रही थी जो मेन फोकस होना चाहिए जहाँ पे, वहाँ लाइट नहीं थी इसलिए थोड़ा चेहरा ब्लर कर रहा है, इसके लिए सॉरी। और इतनी सुंदर मैं लग रही थी, मेरी तारीफ़ सभी लोग ने किया, पापा ने किया, मम्मी ने की, और पतिदेव तो इतनी ही तारीफ़ की है कि कुछ कह ही नहीं सकते, मैं बहुत सुंदर वाकई मैं बता रही हूँ, मैं सोच ही नहीं थी कि इतना बीमार होने के बाद भी इतनी सुंदर लगूंगी। फिर हमने चार बार अर्घ दिया, फिर उसके बाद पतिदेव आए तो हमने पूजा पाठ अपनी स्टार्ट की। पतिदेव छत पे ही थे, वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कोई था नहीं मेरे यहाँ, क्या करें यार, बच्चा नीचे था वो सुनता भी नहीं है जल्दी कोई बात, तो इसलिए मैं पतिदेव से बोली कि थोड़ी देर आप कर लो। फिर जब पतिदेव आए साथ में पूजा करने के लिए, तो आपको बता दें मेरी मम्मी ने वीडियो शूट किया, मुझे इतना अच्छा लगा क्या बताएं, मतलब मम्मी मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं, सोचती हैं कि जैसे मेरी बहू खुश रहे, वो हर चीज़ सीखना चाहती है। मम्मी बोली मुझे आता नहीं, मैं सही से, हम कहे मम्मी आप चाहे जैसे कर दो, बस कर दो कि रिकॉर्ड कर दो आप मेरा, तो मम्मी ने मेरा वीडियो शूट किया। और क्या ही बोले आप लोग से, मैंने पतिदेव से फिर आशीर्वाद लिया, मुझे पहले शर्म आती थी यार पैर और छूने में, अब तो नहीं आती है, मुझे ये लगता है कि नहीं इन्हीं के स्वर्ग में तो आप कह सकते हो, या इन्हीं के चरणों में तो मुझे हमेशा रहना है। और मैंने उनसे बोला कि थोड़ा कम मिठाई खिलाई, क्योंकि क्या करें प्यास इतनी तेज़ लगी थी ना कि मीठा खाने का मन नहीं कर रहा था, तो बोले नहीं थोड़ा खा लो नहीं तो फिर पानी लग जाएगी तुम्हें तेज़ी से। तो फिर मैंने उनको मिठाई वगैरह खिलाया, फिर उसके बाद वो मुझे पिलाए पानी, और पानी पिला रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कितना पानी पी लूँ, मम्मी बार बार चिल्ला रही थी नहीं थोड़ा थोड़ा पानी पियो,
मेरी मम्मी ने चिढ़ाया, कह रहे तुम उसको भी तो पानी पिला दो। हम कह मम्मी क्यों पिलाए, वो तो सुबह से खा पी रहे हैं खाना वगैरह। मम्मी बोली उससे क्या हुआ। फिर फाइनली हम आ गए अपने सासू माँ को सब कुछ देने के लिए। भगवान ऐसी सासू माँ सबको दो जैसे मुझे मिली है। और क्या ही बोले, मम्मी के लिए जितना भी बोले उतना कम है, मेरे लिए बहुत कम है। बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ कल का टाइम याद करके कि अगर आज मम्मी ना होती तो मेरा कोई पूजा नहीं हो पाता। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं कैसी लगी ये तो कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनली सारी पूजा ख़त्म होने के बाद हम पति पत्नी ने कुछ रील्स बनाए, और ये मेरा फाइनली मेकअप लुक था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ये कपल आप लोग को कैसे लगे। बाय बाय एंड टेक केयर।